my name is Panupriya Saxena and I'm from the Art Gallery. First thing, happy Mother's Day to all of my YouTube family. And I think having a mother is the best blessing of our life, best gift of our life. So respect her value, respect her caring, respect her love. आज मैं आर्ट की वीडियो बनाने वाली हूँ, आज मैं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स आ चुके हैं, कई सोशल मीडिया पे मेरे को टैग किया गया था कि वो लोग जब शेड करते हैं तो ब्लैक आता है, डार्क ब्लैक आ जाता है, तो आप आर्ट गैलरी के साथ जुड़े हैं, हम आपको इजी से इजी ट्रिक बताएंगे, तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब आप शेड कर रहे हैं तो एक बात याद रखें कि आप डायरेक्ट पेंसिल का यूज़ ना करें। मीन जैसे आप शेप फेस बना रहे हैं या किसी भी ऑब्स्टिकल का शेप बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट पेंसिल का यूज़ ना करें, क्योंकि डार्क पेंसिल जब आप यूज़ करते हैं तो उस पर स्टेनिंग आ जाती है, लाइनिंग आ जाती है, तो जब भी आप ब्रश से या किसी बट से भी रब करते हैं तो वो स्टेनिंग नहीं जाती है। एक बात का याद रखें, जब आप शेड कर रहे हैं फेस की नोज़ एरिया, लिप्स एरिया एंड आईज एरिया टू, तो आप पेंसिल को लीजिए, एक पेपर पर अच्छे से घिस लीजिए उसको, ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब कर लें, क्योंकि जब आप रब करेंगे तो उस ब्रश को उठाकर आप अपने शेप जो आपने बनाया है या फिर आप फेस की आईज एरिया को आप शेड करना चाहते हैं तो उस पर कीजिए, क्योंकि ब्रश के हेयर्स पे वो ब्लैक कलर आ जाएगा तो हल्का सा होगा, और आप अगर ये कर सकते हैं तो ये करिए, नहीं तो आप पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट पेंसिल यूज़ कीजिए, पर बहुत लाइट यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप डार्क करेंगे तो स्टेनिंग आ जाएगी, जिससे आपकी आर्ट बहुत ही बेकार लगती है। जब स्टेनिंग आती है ना आर्ट में तो बहुत बेकार लगती है आर्ट, तो ये बात याद रखें कि जब भी आप शेड कर रहे हैं फेस के एरिया को या फिर कोई ऑब्स्टिकल बना रहे हैं आप, जैसे सेब बनता है और कुछ भी होता है मुझे नहीं पता, तो मैं ज़्यादातर फेस की आर्ट बनाती हूँ, तो मैं फेस एरिया को कवर करती हूँ, मैं डायरेक्ट पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैंने कई वीडियो में डायरेक्ट पेंसिल यूज़ की थी तो उसमें स्टेनिंग आ गई थी जो मुझे पसंद नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने अगर आपके पास चारकोल है, मेरे पास तो सॉफ्ट पेस्टल ब्लैक कलर है तो मैं उसका यूज़ करती हूँ, अलग पेपर पर रफ कर लेती हूँ, फिर उसे ब्रश की हेल्प से रफ करने के बाद ब्रश के हेयर्स में जो कलर आ जाता है ब्लैक कलर, उसको मैं आइस पे और नोज़ पे और लिप्स पे करती हूँ, ताकि वो बहुत हल्का आए और फेस आपका बहुत अट्रैक्टिव दिखे। और जब आप डार्क करेंगे तो कुछ नहीं, आप डार्क कर लीजिए, आप डार्क कर सकते हैं, तो उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए, पेपर ब्लेंडिंग आता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आइडिया को ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्राई करके। सेकंड थिंग, ब्लेंडिंग परफेक्ट हो तो आर्ट बहुत ही शानदार लगती है, तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो फीमेल के तो पास मेकअप ब्रश ज़रूर होता होगा, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी बहनों से या अपनी वाइफ से या अपनी माँ से छुपा कर मेकअप ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि मेकअप ब्रश बहुत सॉफ्ट होता है, परफेक्ट ब्लेंडिंग के लिए आई थिंक मेकअप ब्रश बहुत अच्छा होता है मेरे नज़रिए से। तो अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं, अगर आपके पास पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश थोड़ा थिक होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं, थिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं तो थोड़ा थिक होना चाहिए जिससे अच्छी सी ब्लेंडिंग होती है, अगर वो भी नहीं है तो एयरबड आता है तो उसका इस्तेमाल करें, एंड उसके इस्तेमाल से मैंने ट्राई किया था इस्तेमाल उसका, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत रफ़ी था, मैंने जब ब्लेंड किया तो उसको ब्लेंड करते रहो बहुत रफ़ी था, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ट्राई करें, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप भी ट्राई करें, समझिए कि आप कैसे कर सकते हैं ब्रश के साथ ब्लेंडिंग। स्टार्ट करें, मैंने दो हार्ट बना के रखे हुए हैं,
मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, मैं वही चीज़ यूज़ करूँगी कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, आप ब्लेंड अच्छे से कर सकते हैं, इजी ट्रिक है। तो मैंने पेंसिल से मैं पूरा कवर करूँगी एक हाफ में। तो हम इससे ब्लेंड करेंगे अपने ब्रश से, जैसे आप करते आ रहे हैं मैं वही करूँगी। ये इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं आएगी, आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है, अलग जगह रफ कर लेना है, सिंपल जैसे मैंने ये रफ की हुई है। फिर आपको क्या करना है, आपको ब्रश लेना है, जो रब किया होता है एक्स्ट्रा में रब किया होगा उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब जो हेयर्स में आपका ब्लैक कलर आ गया है उसको आपने सेकंड हाफ में वापस शेव करें। मैं आपको शो करूंगी ये जो आप करते आ रहे हैं और ये जो आप ट्राई करेंगे, ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी वे ट्रिक है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही फेस आर्ट बनाती हूँ, आप लोग देखते नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप देखते नहीं होंगे, तो आप अभी से देखना स्टार्ट करें, मैं और ट्यूटोरियल ला रही हूँ। सेकेंड थिंग ब्लेंडिंग परफेक्ट हो तो आर्ट बहुत ही शानदार लगती है। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो फीमेल के तो पास मेकअप ब्रश ज़रूर होता होगा, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी बहनों से या अपनी वाइफ से या अपनी माँ से छुपा कर मेकअप ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि मेकअप ब्रश बहुत सॉफ्ट होता है। परफेक्ट ब्लेंडिंग के लिए आई थिंक मेकअप ब्रश बहुत अच्छा होता है मेरे नज़रिए से। तो अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं, अगर आपके पास पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश थोड़ा थिक होना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं, थिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं तो थोड़ा थिक होना चाहिए जिससे अच्छी सी ब्लेंडिंग होती है। अगर वो भी नहीं है तो एयरबड आता है, एयरबड आता है तो उसका इस्तेमाल करें। एंड उसके इस्तेमाल से मैंने ट्राई किया था इस्तेमाल उसका, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत रफ़ी था। मैंने जब ब्लेंड किया तो उसको ब्लेंड करते रहो बहुत रफ़ी था, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ट्राई करें, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप भी ट्राई करें। थर्ड थिंग, जब आप शेड कर लें, लाइट से लाइट, डार्क से डार्क शेड करना चाहें, आप जो मर्जी से कर सकते हैं, अगर आप शेड कर लें तो इस एरिया को, जैसे कि आप शेड कर रहे हैं तो हल्का हल्का शेड कर रहे हैं तो उसके एज पे जाके आप डार्क करें और डार्क को अच्छे से ब्लेंड करें तो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग आती है। आप ट्राई करें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सोशल मीडिया आईडी राइट हियर, गो एंड फॉलो एंड चेक इट आउट माय न्यू वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। नमस्ते।